नमस्ते, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरे किचन में हम एक बहुत अच्छा स्नैक आइटम बनाने वाले हैं, जो कि एनर्जी में भरपूर है, टेस्ट में भी जबरदस्त है। वी आर गोइंग टू मेक ग्रैनोला बार। आपने इसके वेरिएशंस मार्केट में देखे होंगे, लाइक स्नीकर्स, प्रोटीन बार्स एंड ऑल, पर वो उतने हेल्दी नहीं होते। इसको हम बहुत अच्छे से घर पे काफ़ी हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, जिसको कि सब लोग खा सकते हैं, ऑफ एवरी एज ग्रुप, बच्चों से लेके बड़ों तक। इवन डायबिटिक पेशेंट्स कैन ऑल्सो हैव इट, क्योंकि हम उसमें डेट्स यूज़ करेंगे, हनी यूज़ करेंगे, जिसमें कि कोई शुगर कंटेंट आपका ज़्यादा नहीं है। वील यूज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल शुगर एंड गुड सीड्स, नट्स एंड बेरीज। सो लेट्स बिगिन मेकिंग ग्रैनोला बार्स। ग्रैनोला बार बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो हैं आमंड्स, जिनको मैंने चॉप कर लिए हैं, कैश्यूज, जिनको मैंने तोड़ लिए हैं, ये एक मिक्सचर है मगज का, पम्पकिन सीड्स का और अलसी या फ्लैक्स सीड्स का। ये मिक्सचर करीब मैंने हाफ कप लिया है। ड्राई रेड करंट, ड्राई ब्लैक करंट, किशमिश या रेजन्स, ड्राई ब्लूबेरीज, डेट्स या खजूर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनमें इनके सीड्स ही ना हो। ड्राई फिग्स या अंजीर लिए हैं मैंने, वॉलनट लिया है मैंने। इसके बाद मैंने ओट्स लिए हैं। आप रोल्ड ओट्स ले सकते हैं, आप ब्रोकन ओट्स ले सकते हैं, इस एज पर योर चॉइस एंड अवेलेबिलिटी। एंड लास्टली इट्स हनी। यहाँ पे हमें कुछ चीजों को भूनना है, जैसे कि ये जो हमने मगज और आपके पम्पकिन सीड्स का मिक्सचर है, इसको हम अभी पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करने से इनमें जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और ये नट्स काफ़ी क्रंची हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको और सारे नट्स को भून लेंगे। आप देखिएगा, जैसे ही ओट्स थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा डार्कर कलर हो जाए, ये भुन जाएंगे। इनको आप निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए। जो सारे नट्स हमने भुने हैं, इंक्लूडिंग ओट्स आल्सो, इनको थोड़ा हमें 5 मिनट ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे बेरीज के साथ, सो दैट वी कैन मेक अ ग्रैनोला बार। अब हम सारे डेट्स को ग्राइंड कर देंगे। डेट्स और अंजीर को इसको अच्छे से मिला के हम एक पेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, हमें विदाउट मॉइस्चर इसको ग्राइंड करना है। अब ये हमारा जो पेस्ट हमने बनाया था खजूर का और अंजीर का, वो रेडी हो गया है, और बाकी जो हमने ड्राई रोस्ट किया था वो अभी ठंडे हो गए हैं। तो अभी हम इसको मिला लेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट
हनी की हमें इस डिश में बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो डिश में बाइंडिंग और मॉइस्चर है वो ग्रैनोला बार में हनी से ही आएगा, तो हमें खूब सारे हनी की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डेट्स का मिक्सचर बना रहे हैं तब आपको अगर लगे कि वो ग्राइंड नहीं हो रहा है तो उसमें भी आप हनी डाल सकते हैं, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हमें इसको अच्छे से हाथ में मिक्स कर देना है एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह पूरा। अब देख सकते हैं कि हमने हमारा मिक्सचर रेडी कर लिया है, सब कुछ को बड़े अच्छे से मिला लिया है। अब इस मिक्सचर को हमें कोई भी एक डिश में जिसमें हमने तेल लगाया हो अच्छे से उसमें ट्रांसफ़र करके दबा देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें तेल लगा के रखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको इस बर्तन में अच्छे से दबा के सेट कर दिया है। इसको अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और सब कुछ जो है बाइंड कर जाए एक साथ, तभी हम इसको ग्रैनोला क्यूब्स या बार्स के हिसाब से काट के निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे ग्रैनोला बार्स रेडी हो गए हैं। इनको आप दिन में जब भी आपको भूख लगे मील्स के बीच में आप तब इन्हें खा सकते हैं। आप इनको बच्चों को शाम में दे सकते हैं जब वो चॉकलेट की ज़िद करे। ये इनफैक्ट हेल्दी है और प्रोटीन आपका एनर्जी से गुड फैटी एसिड सबसे भरा हुआ है। इट्स गुड फॉर स्किन हेयर एंड नेल्स। सो प्लीज़ हैव दिस एंड एन्जॉय।